हाय एवरीवन, वेलकम टू फूड जोन घर का बावर्ची। आज हम बनाने जा रहे हैं ट्रेंडिंग टॉर्टिला रैप्स विद स्मोक चिकन। यहाँ पर मैंने ये टॉर्टिला रैप्स घर में बनाए थे, जिसके अंदर मैंने स्मोकी चिकन मसाले वाली बना के डाली थी और कुछ वेजिटेबल्स डाले थे। रमज़ान की इफ्तारी के लिए ये बहुत ही आसान और एकदम अच्छे से बन गए थे। इसमें आपको चिकन और वेजिटेबल्स सब कुछ मिलेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 टमाटरों को स्लाइस कर दिया, 2 प्याज को मैंने स्लाइस कर दिया था और मैंने 1 कैप्सिकम को चॉप कर दिया। यहाँ पर मैं मसाले ले रही हूँ, 1 बड़ा टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, नमक और दालचीनी का पाउडर 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा टेबलस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून आमचूर का पाउडर और 2 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। यहाँ पर हम हमारी चिकन के मैरिनेशन बनाएंगे, जिसमें मैंने 1 कप यानी लगभग 100 ग्राम जितना दही फेंट लिया था, ग्राइंड भी कर सकते हैं आप। और ये सारे मसालों को हमें इसके अंदर डाल के मिला लेना है। अच्छी तरीके से हम इन मसालों को मिला देंगे और ये हमारी चिकन का मैरिनेशन बन जाएगा। इसमें हम हमारी चिकन को ऐड करके कम से कम 1 घंटे तक मैरिनेट करके रख देंगे। आप इसे 1 दिन पहले भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने मसालों को अच्छी तरीके से दही के अंदर फेंट रही हूँ, मुझे कोई भी लम्स नहीं चाहिए। हमारे मसाले सब एक साथ अच्छी तरीके से दही में मिल जाना चाहिए। ये मसाले जो आपको मैं बता रही हूँ, इसमें आप चाहो तो नींबू का रस भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने आमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया, इसीलिए मैंने नींबू का रस नहीं डाला। यहाँ पर मैंने चिकन को छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, बोनलेस चिकन लिया था मैंने। कम से कम ये 400 ग्राम यानी आधे किलो से 100 ग्राम कम चिकन थी, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस करके इसके अंदर मिला लिया था और इसे अच्छी तरीके से मैरिनेट करके मैंने रख दिया था। और मैरिनेट करने के बाद में हम इसे साइड में रख देंगे। मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि रमज़ान में हमें इबादत के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हम पकवान में बहुत बिजी हो जाते हैं, लेकिन ऐसी शॉर्टकट रेसिपीज़ को आप बना के रख सकते हैं। ये मैरिनेटेड चिकन आप रोल्स में, रैप्स में, फ्रैंकीज़ में, ये सारी चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। आपके रैप में आपको ज़्यादा मेयोनीज़ और सॉसेज लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप ये चिकन को मैरिनेट करके फ्रीज़र में आराम से रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल डाला था, ऑयल डाला और इसके अंदर मैंने अपनी चिकन को बना लिया, यानी चिकन को हम इसे पूरी तरीके से बना लेंगे। पहले मैंने इसे थोड़ा सा भून लिया था और इसके थोड़ी देर के बाद में आप देखेंगे तो साइड से दही का पानी छूटने लगेगा। अब ये पकने के लिए हम रख देंगे। यहाँ पर मैंने टॉर्टिला रैप्स बनाए हैं, ये बहुत ही आसान है बनने में। इसे हम मैदे की रोटी भी कह सकते हैं, तो आप मैदे में थोड़ा सा नमक मिला के 2 टेबलस्पून तेल के साथ गूंद लें। यहाँ पर मैंने कम से कम 1/2 किलो जितना मैदा लिया था और इससे मुझे 12 से 13 रोटियाँ बन के रेडी हो चुकी थी। हमारे चिकन के अंदर हम जलते हुए कोयले को डालेंगे और उसके ऊपर मैंने 1 टीस्पून बटर डाला। इसका स्मोक जब उठेगा तो आप इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसे साइड में रख दीजिए। और यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया है क्योंकि मेरी चिकन बन के रेडी हो चुकी थी। कुछ देर बाद आप कोयले को निकाल लेंगे और इस बटर में इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। चलिए हमारे टॉर्टिला रैप्स को मैंने क्या किया है, मैंने इसे एक जगह से कट कर लिया है, इसके सेंटर पॉइंट तक एक स्लिट मारा है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस लगा रही हूँ। मस्टर्ड सॉस आप ज़रा सा लगाएं या ना भी लगाएं, इसकी जगह आप केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर घर में नहीं है तो। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून मेयोनीज़ का भी डाला है, मेयोनीज़ की जगह आप ग्रेटेड चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। यहाँ पर मुझे इसका फ्लेवर मस्टर्ड और मेयोनीज़ के साथ ज़्यादा बेटर लगा, बिकॉज स्मोक चिकन है तो मेयोनीज़ के साथ में उसका मज़ा बहुत उठ जाता है। एक और मैंने टमाटरों को बिछा दिया और एक और मैंने प्याज और कैप्सिकम को रख दिया और एक और मैंने रख दिया है हमारी चिकन को। ऐसे करके हमारी रोटी को हमने 4 पार्ट्स में कर दिया और अभी हम इसे एक के ऊपर एक डाल के रोल कर देंगे यानी रैप कर देंगे। रैप करने के बाद में आप इसे सॉटे कर लेंगे हल्के से तेल में। मैंने फ्राई पैन पर हल्का सा ऑयल ब्रश किया था और इसे मैं थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड रोस्ट होने के लिए रख दूँगी। देखिए हमारे रैप्स बन के रेडी है। ये टॉर्टिला रैप्स बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ऐसे रानी यूट्यूब पर और फूड जोन घर का बावर्ची इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर ऐड कीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी मेरे चैनल को ज़रूर रेकमेंड कीजिएगा। थैंक यू।